हम अभी इसी संडे को माननीय गोयल साहब से अनुरोध करने गए थे और रावत जी से, हमारे साथ में बहन रेणु जी थी, दोनों ने हमारा आपने आश्वासन दिया है और मैं चाहता हूं कि आप इसको जो है हमारे को वेयर हाउस का कार्य इसको कराएं। जैसा भी गौ माता की जय, भारत माता की जय बहुत जोर से बोलने चाहिए। वैसे भी पिंजा पोल सोसाइटी द्वारा आज आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में पूरी हरियाणा सरकार, बहन रेणु जी, सभी सोसाइटी के अध्यक्ष व अन्य मेरे सामने बैठे हुए सभी पूजनीय बुजुर्गों, उसका कोई मोल नहीं है। वैसे भी जब से हमें आधुनिक युग में पहुंचे हैं, हमने गौ की, मां की, पिता की, बुजुर्गों की जो सेवा बात है जीवन में, माता की, पिता की। चाहते हैं आप थोड़ी साइड बाबू जी, अब दो मिनट खा जाएगी। किसको आ रही हो भाई? यार सुनील, कार्यक्रम में क्या मुख्य आयोजन आज? यहाँ पिंजरा पुल सोसाइटी जो कि 1890 से गौशाला चला रही है, उन्होंने एक अपने एक बड़े भूसे के शेड का निर्माण किया है, नए एक गेस्ट हाउस का, 4 बेडरूम का निर्माण किया और गौशाला के लिए एक नए और शेड बनाने का यहाँ पर निर्माण किया है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अन्य गौशालाओं की बहुत अच्छी गौशाला ये लोग चला रहे हैं। सभी जो प्रधान प्रेम कुमार जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। खोलने की आपने बात की थी जिसमें ऐसा गो अभ्यारण्य 100 एकड़ के अंदर हरियाणा सरकार की एक योजना है कि गो अभ्यारण्य बनाने की, उसके तहत चारों तरफ बाउंड्री करके उसके अंदर गायों को बाड़े के अंदर खुले घूमने दिया जाता है और उसमें चाहे हॉस्पिटल की सुविधा हो, चाहे ब्रीडिंग सेंटर की सुविधा हो। और मैंने आग्रह किया विधायक जी से, चेयरमैन नयनपाल रावत जी से, कि हरियाणा सरकार की स्कीम को इस गौशाला में लागू कराएं क्योंकि इसके पास 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और एक गो अभ्यारण्य बनाने के लिए कैपेबल्स था। थैंक यू सर। साहब पहुँचे आज यहाँ, क्या मुख्य आयोजन है और क्या मांग यहाँ पर रखी गई है? देखिए, आज मेरी विधानसभा के छायसा गाँव में जो एक पिंजरा पोल सोसाइटी है, 1000 एकड़ ज़मीन इनके पास है और बहुत अच्छी एक गौशाला इन्होंने यहाँ बना रखी है, तो उसमें नए जो इनके कुछ 3-4 कमरों की बिल्डिंग और इसके साथ साथ एक जो शेड हैं 2-3 गायों के लिए, उनका निर्माण किया है। उसका उद्घाटन करने के लिए हम और माननीय पूर्व मंत्री विपुल जी यहाँ पर पहुँचे हैं और मुझे खुशी हुई इस बात की कि क्योंकि हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का
इस गौ चारण पर और गऊ शाला खोलने पर एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी गाय जो है ना अभी तक पिछली सरकारों में आवारा जो रोड पर घूमती रहती थी, उनको रखरखाव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हरियाणा की सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हज़ारों की तादाद में जो गौशालाएँ वो हमारी सरकार में खुली हैं। तो आज यहाँ की जो प्रबंध देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा, लगभग 2700 से ऊपर यहाँ गऊएँ हमारी रखी जा रही हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी सरकार और इन लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ प्रबंध कर रखा है और आगे भी जो हमसे बन पड़ेगा, हरियाणा सरकार से बन पड़ेगा, हम इस गौशाला की पूरी तरह से मदद करते रहेंगे। मांग रखी है उसको लेकर क्या? हाँ, निश्चित तौर पर इन्होंने एक जो भंडारण के लिए जो हमारे साइलो सिस्टम है या अन्य, क्योंकि वेयरहाउस मेरे पास है, गौचारण के लिए, हाँ गौचारण की भी रखी है, उसको भी हम जो ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके उसको पूरी कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें लगभग जिसमें सैकड़ों एकड़ भूमि जिसके पास होती है तो उसको 10 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और उसके भी लिए हम इनका प्रोग्राम तैयार करके दे देंगे। मान के चलें जल्दी ये व्यवस्था, हाँ निश्चित तौर पर जल्दी, जब सरकार बना ही रही है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पहले ही हम जो गौचारण है वो यही बनाएंगे प्रथमा में। ठीक है, धन्यवाद।